टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत अ हीरो इज बोर्न का टीजर रिलीज हो गया है। पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म के टीजर ने रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है। गणपत के टीजर ने ऑडियंस को एक अलग दुनिया में पहुंचा दिया है। इस फिल्म का अनुभव बड़े पर्दे पर करना दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसा कुछ हमने भारतीय सिनेमा में कम ही देखा है। गणपत के टीजर से हम एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये दुनिया ऑडियंस ने आज से पहले कभी नहीं देखी। टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन और अमिताभ बच्चन तीनों को एक अलग अंदाज में देखकर उनके चाहने वाले फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। फिल्म के सिनेमैटिक अनुभव की तुलना हर मायने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से की जा रही है। पूजा एंटरटेनमेंट इस फिल्म के माध्यम से भारतीय सिनेमा का खेल बदलने के लिए तैयार लग रहे हैं। टीजर के विजुअल इफेक्ट्स, इतना बड़ा स्केल और बढ़िया कहानी से उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म सुपरहिट साबित हो सकती है। टाइगर श्रॉफ को हमेशा से हमने एक्शन करते हुए देखा है, लेकिन ऐसा एक्शन करते हुए हमने आज तक नहीं देखा जो वो गणपत में करते दिख रहे हैं। फिल्म के वीएफएक्स को देखकर आप निशब्द होने वाले हैं। शायद आज तक हमारे देश में किसी भी फिल्म में ऐसे वीएफएक्स नहीं इस्तेमाल किए गए हैं। जैकी भगनानी ने ऑडियंस के लिए एक विश्व स्तरीय सिनेमैटिक अनुभव को बड़े पर्दे पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिल्म को विकास बहल ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इससे पहले हमें क्वीन जैसे हिट फिल्में दी हैं। फिल्म में टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन और अमिताभ बच्चन नजर आने वाले हैं। वहीं टाइगर और कृति की जोड़ी लोगों को उनकी पहली फिल्म हीरोपंती में ही बेहद पसंद आई थी। टीजर में अमिताभ बच्चन का लुक भी देखने लायक है। निर्माता जैकी भगनानी ने फिल्म को लेकर अपना उत्साह जताते हुए कहा, हम अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म में से एक को रिलीज करने के लिए काफी उत्साहित है। गणपत ए हीरो इज बोर्न को बेहद जुनून और एक कमाल के विजन के साथ बनाया गया है। यह फिल्म एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रही है जहां आज तक किसी फिल्म को नहीं लेकर जाया गया। दर्शकों के लिए इस फिल्म में काफी सरप्राइज है।